आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। पाटीदार समाज इंदौर महानगर इकाई द्वारा बंधन दो युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार को खंडवा रोड स्थित समारोह परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। युवक युवती परिचय सम्मेलन में दूर दूर से आए प्रतिभागी और उनके अभिभावक वरवधु की तलाश करते दिखे। कोई अपने रिश्तेदारों के माध्यम से दूसरे अभिभावकों से मिले तो कोई परिचय सम्मेलन में दी गई परिचय पुस्तिका में देखकर वरवधु की तलाश करते नजर आए। सम्मेलन में उच्च शिक्षित युवक युवतियों की संख्या ज्यादा रही। वहीं कुछ युवक युवतियां विदेश से भी यहां अपने रिश्ते ढूंढने पहुंचे थे। भव्य पैमाने पर हुए पाटीदार समाज के इस परिचय सम्मेलन को लेकर समाजजनों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। परिचय सम्मेलन में लगभग 500 प्रविष्टियां प्राप्त हुई और समाज के वरिष्ठजनों का मानना है कि बड़ी संख्या में सम्मेलन के जरिए रिश्ते तय होंगे। पाटीदार समाज के पदाधिकारियों की माने तो सम्मेलन के जरिए दूरस्थ रहने वाले समाजजनों को अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। 2 साल के कोरोना काल के बाद हुए इस परिचय सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त होने से आयोजन काफी वृहद स्वरूप में हुआ। मंच से उच्च शिक्षित युवक युवतियों के साथ ही नौकरी एवं व्यवसाय जगत में कार्यरत युवक युवतियों ने भी बेबाकी से अपना परिचय दिया। आयोजन अत्यंत ही सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आयोजन में उपस्थित समाजजनों के लिए सहभोज की व्यवस्था भी की गई थी। नाहर, गोत्र नाहर, उम्र 25 वर्ष, मैं नगर पीपलगावा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास का रहने वाला हूँ। 2018 में मैंने मेडिकल इंस्टीट्यूट से अपनी BE इन सिविल कम्प्लीट की। 2021 से मैंने MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप IIPS JEE से कंप्लीट की। काम धन्यवाद। सर्वप्रथम वंदनीय माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। परिसर में पधारे सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरा नाम वैभव पाटीदार है, मेरी उम्र 25 वर्ष है, मेरी गोत्र सिदोड़िया है और मैं ग्राम सागोर जिला धार का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम श्री विनोद पाटीदार है जो एक सरकारी स्कूल में युक्त परिवार में और चारों भाई के बीच में 80 बीघा है। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां होना चाहिए। संयुक्त परिवार की परंपरा को इन्होंने अभी तक जीवंत रखा है, निश्चित रूप से ये अभिनंदन के पात्र हैं। 161 से 180। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे परिचय सम्मेलन का आयोजन पाटीदार समाज ने किया, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, आज तो हमने एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है जिसमें करीब 450 प्रत्याशी आए हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी आए हैं, विदेशों से भी हमारे पास एंट्री आई और एक बहुत ही व्यवस्थित और ये टेक्नोलॉजी जो है उससे परिपूर्ण परिचय सम्मेलन। 2 साल के कोरोना काल के बाद में बहुत बड़ा आयोजन पाटीदार समाज का हुआ है जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उत्साह पूरे समाज में और युवाओं में वृद्धों में सब दिखाई दे रहा है? देखिए, पाटीदार समाज इंदौर महानगर जब भी आयोजन करता है तो बहुत अच्छे शानदार आयोजन करता है और पूरे समाज का उत्साह हमको मिलता है। यहाँ पर समारोह परिसर में एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, बताया कहाँ कहाँ से प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई और कितनी प्रविष्टियाँ इसमें प्राप्त हुई है? ये इंदौर महानगर पाटीदार समाज की एक अनूठी पहल है। इसमें हमने नगर, राज्य और देश की सीमाओं से परे जाकर प्रविष्टियां प्राप्त की है। हमारे पास कई ऐसे प्रोफेशनल जो अमेरिका से भी जुड़े हैं, ब्रिटेन से भी जुड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी जुड़े हैं और लगभग 500 प्रविष्टियों पे हमको इस कार्यक्रम को खुद से विराम देना पड़ा, क्योंकि यदि हम इस कार्यक्रम को विराम इन प्रविष्टियों को विराम नहीं देते तो शायद हमसे इतना बड़ा कार्यक्रम मैनेज नहीं हो पाता। आज यहाँ पर क्या लगता है, कितने परिचय तय होने की संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, ये संभावनाओं का खेल है और विधाता की मर्जी के बिना संबंध हो नहीं पाते, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा प्रयास है और जिस तरह का हम लोग यहाँ पे माहौल देख रहे हैं उससे हमें लग रहा है कि निश्चित रूप से हम कम से कम 20-25 संबंध यहाँ से पक्का होने की संभावना मान। प्रतिभागी आए हैं और उनके जो पेरेंट्स आए, क्या किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? देखिए, व्यवस्था के मामले में पाटीदार समाज इंदौर महानगर ने पूरी समुचित व्यवस्था आप खुद भी देख रहे हैं, मंच से लेकर बैठक व्यवस्था और भोजन से लेकर सारी व्यवस्था हमने सुचारू रूप से की है पाटीदार समाज इंदौर महानगर ने। परिचय सम्मेलन है, युवाओं में किस तरह का उत्साह इसको लेकर दिखाई दे रहा है? देखिए, आज जो वर्तमान जो समय चल रहा है, वर्तमान समय की ये जरूरत है। अभी जिस प्रकार से समाज का विस्तार हो रहा है, जिस प्रकार से समाज के लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने प्रोफेशन अपने काम के लिए व्यवसाय के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, अपने समाज का विकास भी बहुत हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। लेकिन इसे आयोजन के माध्यम से
हम कोशिश करते हैं कि समाज के युवक युवती आपस में परिचय हो उनका और उनके अनुरूप उनकी उनके विचार अनुरूप उनको अपना जीवन साथी चुनने का मौका मिले। बड़ी संख्या में मातृशक्ति की उपस्थिति पाटीदार समाज की दिखाई दे रही है, क्या किस तरह का उत्साह महिलाओं में भी दिखाई दे रहा है युवतियों में? हमारी सक्रिय महिला संगठन है, बहुत ही सक्रिय है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है, उनकी वजह से बहुत सारे एंट्री भी आई है, मतलब बहुत ही उत्साह है महिलाओं में। किस तरह से कम्फर्टेबल वातावरण यहाँ पर महिलाओं को और युवतियों को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मतलब पाटीदार समाज में महिलाओं के लिए युवतियों के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल वातावरण।